नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और रूट कॉज की अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें शनिवार के दिन हम चर्चा कर रहे हैं रोशन लाल गोरखपुरिया जी से और उनसे समझ रहे हैं कि धर्म का समाज में क्या रोल है, कितना रोल है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था कि हम पूछेंगे उनसे, क्योंकि उन्होंने था कट्टर हिंदू हूँ था मैं गीता को पढ़ने से पहले, तो ये कट्टर हिंदू क्या होता है, हिंदू क्या होता है, इस विषय के ऊपर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो कट्टर हिंदू और हिंदू का जो आजकल चल रहा है समाज के अंदर, ये काफ़ी मुझे लगता है बड़ा वृहद विषय है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। रोशन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। रोशन लाल जी, जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में ही कह दिया कि लास्ट एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कट्टर हिंदू, आपने कहा था कि मैं गीता पढ़ने से पहले कट्टर हिंदू था और गीता पढ़ने के बाद मेरी कट्टरता खत्म हो गई। तो ये कट्टरता किस तरह की थी, क्या था कट्टरता में, कैसे, मतलब किसे हम कट्टर मानते हैं, कट्टर हिंदू मानते हैं? देखिए, कट्टर क्यों था, वैसे कट्टरता तो मूर्खता की ही निशानी है। कट्टरता कोई पद या पदवी नहीं है, कट्टरता पूरी तरह अज्ञानता को। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कट्टरता मूर्खता की निशानी है, कट्टरता श्रेष्ठ बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मैं तो वैसे परिचय मेरा दूं तो मैं गांव में भैंस चराया करता। भैंस चराने वाला कितना ज्ञान रखता होगा, गीता से पहले ये समझ लीजिए मैं भैंस ही चराता था। जब गीता पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते जो मेरे को ज्ञान मिला वो प्रेम करना सिखाती है गीता। और हिंदू अगर कोई होता है तो हिंदू निष्ठावान तो हो सकता है, कट्टर नहीं हो सकता। और कट्टरता की कोई बात करता है, जैसे इन दिनों में चलता है जबरदस्ती जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, ऐसा जय श्री राम बोलने वाले हो ही नहीं सकते, हिंदू ही नहीं हो सकते। राम का नाम लेने के बाद कोई कट्टर रह सकता है क्या? राम का नाम लेने वाला कट्टर नहीं हो सकता, वो हनुमान जी की तरह निष्ठावान हो सकता है राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति। धर्म को जानने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं का भी क्यों ना हो, वो कट्टर नहीं हो सकता। तो रोशन जी, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग जबरदस्ती या जय श्री राम बुलवाते हैं वो हिंदू नहीं है? हिंदू तो है, पर हिंदू क्या है उसका ज्ञान नहीं, हिंदू कौन है उसका ज्ञान। यानी कि वो भीड़ चाल में चल रहे हैं कि भाई वो मेरा पड़ोसी ऐसे कह रहा है तो मैं भी उसके साथ शामिल हो जाऊं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो जब आपने बात कही अभी, तो एक जो कट्टर हिंदू और हिंदू, इसमें क्या फर्क है और हिंदू धर्म को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हिंदू धर्म क्या है, वैसे हिंदू हम सुनते आए हैं कि सिंधु से हम हिंदू बने हैं, अरब से जो आए थे मुगल वो सैको है बोलते थे, और सिंधु को हिंदू बोला तो हम हिंदू हो गए, ऐसा हम सुना है। पर ऐसा जानने के बाद बिल्कुल हिंदू हम सिंधु से नहीं बने हैं, हम हिंदू बने हैं हिंद महासागर से। हिंद महासागर की गहराई से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, शास्त्रों की गहराई से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम हिंदू कहलाते हैं। और हिंदू का सनातन धर्म का ही मतलब आज के वर्तमान में सनातन को हम हिंदू कह रहे हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कुल व्यवस्था, सबको समाकर अपने अंदर समाने वाले को हिंदू कह सकते हैं। पूरी दुनिया हम हमारे अंदर है, हम सारी दुनिया के हैं, वो हिंदू कह सकता है। हिंदू सीमित सोच वाला कोई हिंदू हो ही नहीं सकता। विराट, हृदय से विराट, सोच में विराट, सबको गले लगाने वाला, सबको गले से लगाने वाला, प्रेम से बात करने वाला, यही तो हिंदू की पहचान है। अगर हम कट्टरता की बात करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। हिंदू धर्म जो है वो सनातन है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सनातन का मतलब होता है, सनातन का सही मायने अगर लेके जाएं शास्त्रों से या संतों से समझ कर लेंगे, सनातन होता है सच सनातन। सच समाया हो जिसके तन में, सच समाया हो जिसके तन में, वो होता है सनातन। सच समाया हो जिसके तन में, वो होता है सनातन। लेकिन रोशन लाल जी,
जब हम हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, कट्टरता की बात कर रहे हैं, आज जो समाज में कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि गंदगी फैल गई है कि हर व्यक्ति, हर धर्म मानने वाला, हिंदू धर्म मानने वाला कहता है कि जी हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम धर्म मानने वाला कहता है जी हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ईसाई धर्म मानने वाला कहता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो सिख धर्म मानने वाला कहता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसा कहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बताने का या जताने का प्रयत्न करते हैं कि भाई आपका धर्म खराब है, हमारा धर्म अच्छा है। क्या ये हमें धर्म सिखाता है? क्या हमारा हिंदू धर्म हमको ये सिखाता है कि हम दूसरे धर्मों की बुराई करें? धर्म बुराई करने की बात कहता ही और श्रेष्ठता की बात जो कहता है वो धर्म नहीं हो सकता। श्रेष्ठ की बात संप्रदाय करता है। समाज और संप्रदाय में बेसिक समझ हमें रखें। समाज होता है समदर्शी, जो सबको एक समान दृष्टि से देखने वाला समाज कहलाता है। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, ये समाज की परिभाषा में आता है और ये परिभाषा समाज देता है। संप्रदाय, संप्रदाय विशेष जब आ जाता है, जब विशेष माली से श्रेष्ठता की उस परिधि में आ जाता है, कहने के लिए किसी को बुराई करने का किसी को हक तो दिया ही नहीं है। बुराई देखने का भी हक शास्त्र नहीं देते हैं किसी और के अंदर बुराई देखें। जब दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे तो बुराई करेंगे कैसे? दुर्योधन और दुर्योधन का युधिष्ठिर की बात करें, युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी दिखता ही नहीं था। सब में अच्छाई दिखती थी और दुर्योधन में किसी में अच्छाई दिखती नहीं, उसमें बुराई दिखती थी, तो देखने का नजरिया था ना। और धर्म की जिसके पास पहचान होगी वो बुराई नहीं अच्छाई देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूँ कि धर्म शायद ये सिखाता ही नहीं है कि हम किसी की बुराई करें, किसी से आपसी मतभेद अन्य से शरीके पालें। और ख़ासतौर से धर्म के बारे में, धर्म तो शायद सबको जीवन जीने की एक कला सिखाता है। धर्म का मतलब ही है जीवन की कला, एक दूसरे का सम्मान। अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं है तो अधर्म है, धर्म नहीं है। जी, एक तो आपने कहा धर्म जो है एक दूसरे का सम्मान, और अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, धर्म नहीं अधर्म है। अगर हम इसको और थोड़ा सा गहराई से समझें, धर्म और अधर्म, क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे चार वर्णों में हमारा समाज की परिभाषा दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र छोटा मान लिया और शरीर से बांट दिया हमने, सिर को हमने ब्राह्मण माना, हाथों को क्षत्रिय माना, पेट को हमने वैसे माना, पाँव को शूद्र माना। जी, तो इसका मतलब हम एक ही चीज में समाये हुए हैं, परंतु इसमें भी छोटा नीचे वाला शूद्र हो गया, नीचे से नीच कहने लगे उसको, पर नीचा है तो नीच कहने लगे, ऊंचा है तो ऊंच कहने लगे, ये ऊंच कोट जाति का है, ये नीची जाति का। जबकि शास्त्रों ने और महापुरुषों ने इसकी परिभाषा दी, पाँव हाथ जोड़े रहते हैं और पाँव को छूते हैं। जब क्षत्रिय हाथ जोड़ा बैठा है और पाँव छू रहा है तो बड़ा कौन हुआ? शूद्र हुआ ना। यही माथा पाँव को छू रहा है तो कहाँ हुआ? शूद्र बड़ा हुआ कि सिर बड़ा हुआ? ब्राह्मण। तो ये समान दृष्टि देखने के लिए, भाई हमें कोई ऊंच नीच का बात ही नहीं है। धर्म में ऊंच नीच की बात ही नहीं कर सकते। आप महाभारत में लें, द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा लिया एकलव्य का, कर्म कटे, कर्म बांधे ना, अंगूठा काटने वाले का लास्ट में गर्दन कटी। बिल्कुल, तो ये मान लीजिए कर्म की परिभाषा देने मतलब है ही नहीं। मतलब कर्म तो भोगना ही पड़ेगा आपको, ये कोई भी नहीं। परमात्मा भी अगर वो कर्म से बंधे हुए हैं, जबकि गीता में कहे अर्जुन, मेरे कोई संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं प्राप्त ना कर सकूं, फिर भी मैं कर्म से बंधा हुआ। आपको और बता दूं, अर्जुन जो है पिछले जन्म का बाली है, सुग्रीव अगले जन्म का कर्ण है, भगवान श्री राम तो ही भगवान श्री कृष्ण है, तो कर्म से बंधे हुए। और वही मतलब आपका दूत बनकर जाते, शांति दूत बनकर जाते। क्यों? बाली अर्जुन है, अंगद गया था दूत बनकर, और उसका बदला चुकाने के लिए भगवान खुद शूद्र मतलब दूध बन कर गए। तो कर्म की परिभाषा बड़ी गहन है, बड़ी गहरी है। ये हमारे शास्त्र हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं,
यार ये गहराई में गीता पढ़कर ही बता पा रहा हूँ आपको, ये गीता का ही गहराई। रोशनलाल जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा कि जब हम, जैसे हमने हिंदू धर्म की बात करी, दूसरे धर्मों की हमने एक उसमें जिक्र छेड़ा, फिर आपने वर्णों की बात करी, इसमें मनुष्य का क्या योगदान है? यानी कि जब वो जन्म लेता है तो ना वो ये कोई कहते हैं ना अर्जी या एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र डालता है कि भाई मुझे हिंदू धर्म में जाना है या ब्राह्मण बनना है या शूद्र बनना है, क्योंकि यदि वर्ण व्यवस्था इस तरह से है कि अगर हम शूद्र को नीच मानते हैं तो कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो, समझता हूँ कि वो नीच बनना चाहेगा, या कोई भी व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरे को सबसे श्रेष्ठ वर्ण मिले और सबसे श्रेष्ठ धर्म मिले। तो कहने का पर्पज़ मेरा ये है, उद्देश्य, कि जब इंसान के हाथों में ये नहीं है कि वो कहाँ पैदा होगा, किसके घर में पैदा होगा, यदि आप वैश्य के घर में, हिंदू धर्म में पैदा हुए तो आप वैश्य कहलाए, हिंदू कहलाए, कोई व्यक्ति मुस्लिम समुदाय में पैदा हुआ, जन्म लिया तो मुस्लिम कहलाया, तो यहाँ पे जो मनुष्य है उसका कंट्रीब्यूशन किस तरह से आ जाता है, कैसे देखें? देखिए, व्यक्ति के हाथ में सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है, आप जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, तो आपके हाथ में आपकी बागडोर है, परमात्मा ने अपने हाथ में रखी ही नहीं है। गीता ने तीन गुणों की प्रकृति की, ये तीन गुण जो माया के द्वारा चलाए जाते हैं, ये परमात्मा क्या ही मेरी माया है, पर इस माया को पार कर सकता है व्यक्ति चाहे तो, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है व्यक्ति चाहे तो। ये आपका देखिए, जन्म मृत्यु लाभ हानि अप यस अप यस विधि के हाथ, विधि मैंने त्रिका, विधि मैंने प्रकृति, आपके हाथ में है, आपको मान सम्मान मिलना है तो आपको मिलेगा, क्यों, चाहे पिछले जन्मों के कारण या इस जन्म के कर्म के कारण। जैसे गीता में लिखा है, तप यज्ञ और दान, ये तीनों महान कार्य करने चाहिए, हर व्यक्ति को करने चाहिए। क्या है तप? तब से भूतकाल में किए हुए हमारे कर्म, अगर उससे पाप से बंधे हुए हैं, वो तप से जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे तप से, तब तप पूजा पाठ ये तप में आ गई। और यज्ञ सेवा, यज्ञ से आपका वर्तमान मजबूत होगा, जो आप बनना चाहते हैं यज्ञ के द्वारा बन सकते हो आप। दान से आप अगले जन्म का यानी भविष्य का निर्माण कर सकते हो दान से। ये तीन चीज़ें जरूरी है, अगर हम ये इनसे वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए आप जिम्मेवार हो, अगर आप नहीं कर रहे हो, आपको कौन सी गति मिलेगी, आपको कौन सी योनि मिलेगी, आपको कौन सा परिवार मिलेगा, आपको कौन सा समाज मिलेगा, कौन सी जमीन मिलेगी, कौन सा देश मिलेगा, कौन सा राष्ट्र मिलेगा, ये आपके हाथ में है। अगर आज मान लीजिए मैं एक अच्छे कुल में, अच्छे धर्म में, अगले एक भारत में जन्म लिया, तो मेरे अच्छे कर्म थे तो मैंने जन्म लिया है ना। आज मान ली मैं गीता पढ़ने लग रहा हूँ, और गीता मान ली मैं 217 के, बल्कि मैं 218 बार पढ़ चुका हूँ, एक बार और हो गई, मतलब जो आपसे पहली बात हुई थी जी। तो क्यों पढ़ रहा हूँ? गीता आपको बार बार ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार देती, और ज्ञान से हम उस पोजिशन में पहुँच जाते हैं जिससे कि, जैसे दो चीज़ें हमारे जीवन में हैं, एक हम सुनते आए हैं, गाय की पूँछ पकड़ कर हम बेतरनी पार कर सकते हैं, और ज्ञान की नौका में बैठकर भवसागर को पार कर सकते हैं। ये दो चीज़ के, ज्ञान की नौका और गाय की पूँछ। गाय मीनिंग धर्म, धर्म का सहारा लेके हम इस बेतरनी को पार करके स्वर्ग को, मतलब ऊंच कोटि को प्राप्त कर सकते हैं। और आज हमारे परिवार में, हमारी कंपनी के लिए गौशाला का और गौ माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तो जिससे कि हमारा परिवार में धर्म के प्रति एक अलग भाव रखते हैं, और मैं गीता पढ़ने लग गया तो ये ज्ञान की बात होगी। गाय रूप में धर्म पूजते हैं हम, धर्म की कार्य लगते हैं, और ज्ञान रूप में मैं गीता पढ़ता हूँ, ये दोनों कार्य हमारी कंपनी, हमारे परिवार को एक अच्छे स्थान अलग रखती है। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ और, जैसे अभी आपने कहा कि भाई जो हमारा जन्म होता है वो हमारे कर्मों के कारण होता है, जैसे आपने कहा विधि यानी कि नियति नीति उनके कारण होता है, तो अगर मान लीजिए जब हमारे आज के जन्म का, अभी जो मौजूदा हमारा जीवन है, इस जीवन में हम जो कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, तो इसका फल
जब हमारा दूसरा पुनर्जन्म होगा तो उसके ऊपर निर्धारित होगा कि भाई हमें कौन सी योनि मिलेगी, कौन सा देश मिलेगा, कौन सा धर्म मिलेगा, कौन सा वर्ण मिलेगा, यानी कि हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। तो क्या हम ये माने कि अच्छे कर्मों का जो नतीजा है, दो बातें कही जाती हैं, एक तो ये कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क यही है, अगर आप अच्छे कर्म मिलेंगे तो आपको जो जीवन है वो बढ़िया रहेगा, सुचारू ढंग से चलेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपको किसी तरह की प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ेगी, अपयश के भागी नहीं होंगे। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि भाई आपको अगले जो आने वाला जन्म है, पुनर्जन्म है, उसमें भी आपको ये सहयोग करता है, हेल्प करता है, क्योंकि आपका डेटा वहाँ भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये मैं दोनों चीज़ें समझना चाहता हूँ कि क्या स्वर्ग और नर्क इसी जीवन में है, या वास्तव में इसका जो पुनर्जन्म है, पुनर्जीवन है, उसमें भी इसका योगदान होता है। देखिए, तीन लोक और तीन काल हमने सुना है, शास्त्रों में लिखा है। तीन काल क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य। जी, तो तीन काल होगी, गति होगी समय की, और तीन लोक हैं, स्वर्ग, मृत्यु लोक और नर्क। सत्वगुण बढ़ता है हमारे अंदर, जो गुण है तीन, जब सत्वगुण बढ़ता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है, उस ज्ञान के द्वारा हम धर्म के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अगला हमारा अच्छा जीवन, अच्छा परिवार जो खुशहाल होगा, इस जीवन में भी खुशहाल हैं तो मतलब स्वर्ग में ही रह रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है तो स्वर्ग में ही रह रहे हैं। और दुखों का घर है मृत्यु लोक, इस लोक में आए हैं, जन्म लिया है तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, पर कर्म रजोगुण से हमारा इस मृत्यु लोक में वापिस आते हैं। जब तमोगुण बढ़ता है तो हम नरक में जाते हैं, कीट पतंग और पशु योनि में जाते हैं और घोर नरकों में पड़ते हैं, ये गीता में लिखा है। तो है तो इसी जन्म में, आज मान लीजिए इस दुनिया में देखिए ना, कहीं गालियाँ हैं, मतलब भूखे रह रहे हैं, देश के देश कंगाल हैं, तो सारी चीज़ें हैं, तो नरक का ही कारण है, ये कर्मों का ही फल है। जी, तो इस लोक में जाते आपने कहा है इसी जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, तो इस जीवन में ही हो गया ना। हाँ बिल्कुल, तभी भी कहा जाता है ना भाई, किसी को बीमारी है, किसी को ज़्यादा मतलब कहते हैं ना लाचार हो गया, बेड रिडन है, मतलब बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है, कि भाई वो तो पिछले साल, सात साल से, चार साल से बिस्तर पे ही हैं, उठ नहीं पाते, तो वो एक नर्क की तरह भी जीवन भोगना हो गया अंतिम क्षण, अंतिम क्षण में, ठीक है। तो वो ऐसी स्थिति में वो कर्मों का फल कहा जाता है कि भाई देखो उनके कर्म ऐसे रहे, ठीक है। तो या उनको कभी संतान का सुख नहीं मिला तो भी ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही जाती हैं कि भाई जीवन मृत्यु का जो आपके कर्मों का जो फल है आपको इसी जीवन में भोगना पड़ता है, और शायद जो उसकी सजा नहीं मिल पाती होगी वो आगे वाले जन्म में ट्रांसफ़र हो जाती होगी। इसी बात को मैंने देखा था, एक बार ICU में गया मैं जी, किसी मिलने, तो इंजेक्शन उसका लगा हुआ था, जो भी था आँख में नाली इंजेक्शन लग रहे, तो मतलब भीष्म पिता की मृत्यु और लास्ट में है जी। और ये स्टेज पर जो ICU में है, मोटा मोटी लगभग एक जैसा ही तो है। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब आपने बड़ा सही उदाहरण दिया एक तरह से, कि भाई वो भी शवशैया पे थे और ये भी शवशैया पे, अंतिम क्षणों में मतलब तकलीफ पा रहे हैं जी। तो कह तो कर्म कट रहे हैं, जो पाप किए हैं यही जन्म में काट गए, मोक्ष पाएगा, स्वर्ग जाएगा। तो ये भी हो सकती है भाई, इसने कष्ट काट लिए, इसी जन्म में कष्ट काट लिए, तो अब स्वर्ग को जाएगा, मोक्ष को पाएगा, क्यों मतलब लास्ट क्षण में अगर तकलीफ आ रहा है तो हो सकता है कर्म कट रहे हो। बिल्कुल, मतलब यानी कि जो आपका कोई नकारात्मक कर्म थे, जो आपको नहीं करने चाहिए वो किए, और उसका फल या उसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में हो गया, तो हो सकता है, क्योंकि जो आपकी सजा है वो तो लिमिटेड है, वो चाहे आप अभी काट लीजिए या अगले जन्म में ले जाएं, तो एक भी बात हो सकती है। रोशनलाल जी, एक बात और मैंने आपके विषय में सुनी है, कई जगह लोग कहते हैं कि भाई प्रधान जी ने जो है धरती से आकाश की दूरी नाप ली है, लेकिन इस एपिसोड में चूंकि समय समाप्त हो गया तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, नहीं समझूंगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में मैं जरूर समझना चाहूंगा कि धरती से आकाश की दूरी आपने कैसे नापी है, उसके पीछे क्या प्रयोजन है, किस तरह से नापी है, और क्या उसके यूनिट्स एंड ऑल हैं, तो वो समझना चाहूंगा। बट आज के लिए आपका समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और
मैं चाहता हूँ कि बार बार कि भाई इस तरह का जो ज्ञान है वो बढ़ता रहना चाहिए, और जो आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो समाज में अगर इसी तरह से बांटते चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि हो सकता है हर व्यक्ति पठन पाठन नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, समय नहीं मिलता या इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो कई बार सुन तो सकता है और सुनते हैं सब लोग, देखते हैं, तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों तक आपका ज्ञान पहुँचेगा और उनको इसका फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रोशनलाल जी थे आज हमारे साथ फिर से, और आज हमने समझा कि जो कर्मों की हमने बात करी, हिंदू धर्म की बात करी, ये सब हम चर्चाएं आगे भी करेंगे। और आज जैसे हमने एक जो बताया ना कि धरती से आकाश की दूरी ये कैसे नापी है, क्या वजह रही इनको नापने की और कैसे नाप पाए, मतलब ये उत्सुकता का विषय है मेरे लिए भी, और ये हम समझेंगे और आप भी समझिए कि भाई रोशन लाल जी ने जो धरती से आकाश की दूरी नापी है, जो आज तक कभी कोई नाप नहीं पाया, तो उन्होंने कैसे नाप ली है, कौन किस विज्ञान के तहत नापी है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्ते।